तुम्हारा निशाना बेकार है। इस बार लगेगा। मिस्टर चड्डा कितने डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, वो देखो। ये देखो, बंटी ने घोड़े को टक्कर मारी। जल्दी चलो। बंटी, ये क्या किया तुमने? अब मेरा घोड़ा रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। तुमने मेरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। 5 लाख का नुकसान? वो कैसे अंकल? इस संडे नेशनल हॉर्स रेस है, जिसका फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए है। मेरे टूटे घर को रिपेयर करने के लिए मुझे उनकी सख्त जरूरत है, लेकिन क्या करूं? अब मेरा घोड़ा दौड़ नहीं सकता। ओहो अंकल, मुझे क्या पता था कि आप बीच रास्ते में खड़े होंगे। वैसे भी आपका घोड़ा रेस में मेरे टाइगर से नहीं जीत सकता। तुम्हारे टाइगर को तो मेरा चुलबुल ही हरा देगा। अंकल, आप मेरे चुलबुल को रेस में दौड़ने देंगे तो आप जरूर 5 लाख जीत जाएंगे। मेरे टाइगर को चुलबुल हरा देगा? तो हो जाए रेस, देख लेते हैं कौन जीतेगा। अगर चुलबुल जीत गया तो मेरे पापा इनको 5 लाख देंगे। चलो देखते हैं वीर, कौन है फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ओके देन, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। मैं नहीं जीतूंगा। मैं नहीं जीतूंगा। अरे वीर, जरा चेहरा ठीक करो। रेस बंद करे या और जोश बाकी है? तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं रेस जीत के ही रहूंगा। चुलबुल, उस गाड़ी पे जंप मारो, रोलो कि हम आगे निकल जाएंगे। मैं जंप नहीं मार सकता। तुम्हारे नीचे चूहा है। चूहा फैन। अरे सुनो,
उल्टा कहाँ भाग रहे हो? रेस तो उधर हो रही है। चुलबुल, मैं रात को बैटरी चार्ज नहीं कर पाया, बैटरी लो हो रही है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। चुलबुल रुकना मत, भागो चुलबुल भागो, यू कैन डू इट, कम ऑन। मैं थक गया हूँ, अभी नहीं भाग सकता। शाबाश वीर, और तेज। ये बंटी कहाँ चला गया, अभी तक दिख ही नहीं रहा। एक गधे से हार गया तो पूरा फुर्सतगंज हमारा मजाक उड़ाएगा। चुलबुल बस थोड़ी दूर और, मेरे दोस्त बस थोड़ी दूर और। चुलबुल, इस खेल रेस में हमें किसी भी हालत में जीतना ही होगा। आखिर इमली के घर का सवाल है, और याद रखना खिलाड़ी वही है जो कभी हार ना माने। जल्दी कर मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, ये क्या कर रहा है तू? चुलबुल, तुम्हारी गादर वहाँ पड़ी है, किसी और के खाने से पहले खा लेना। गाजर। ये वीर जीत गया। वीर मुबारक हो, तुम जीत गए। थैंक यू वीर, आज तुमने वो कर दिया जिसे करने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब इस संडे को हम चुलबुल को रेस में दौड़ा के 5 लाख और कमाएंगे। नहीं। पापा के हॉर्स ने तो चुलबुल से हार कर पूरे फुर्सतगंज में मेरी नाक कटवा दी, लेकिन इस बार पेट शो जीत कर मैं फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी जरूर बनूंगा। Come on, मोती, जंप, जंप, मोती, जंप, मोती, जंप, ये। क्यों वीर, देखा मैंने मोती का कमाल। ये पेट एनिमल शो में हिस्सा ले रहा है, तुम अपने चुलबुल को भी ट्रेन करो, वो भी इस शो में हिस्सा ले सकता है। जीतेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, कॉमेडी करके सबको हंसा तो सकता है। वीर, क्या वो गधा तुम्हारा पेट एनिमल है? पेट एनिमल नहीं, वीर का सगा भाई है भाई, ये सब ना रिश्तेदार है रिश्तेदार। चुलबुल, उन्होंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, मैं तुमको ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम जीत के दिखाओगे। वीर, क्या तुम मुझे अपने जैसा खिलाड़ी बना दोगे? चुलबुल, मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी अच्छा। मैगी, अगर इस तरह चुलबुल ने करतब दिखाए तो उसको मिलेगा फूलों का हार, और मोती को मिलेगी सिर्फ हार। हमें चुलबुल को पेट एनिमल शो में हिस्सा लेने से रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा। चलो। अब आएगा मजा। गाजर, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? बंटी, मैगी, खोलो खोलो। इमली, चुलबुल को देखा क्या? सुबह से गायब है, पेट एनिमल शो शुरू होने ही वाला है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, चलो ढूंढते हैं। अब आपके सामने मिट्टू तोता अपना कमाल दिखाएगा।
क्या हुआ वीर, तुम्हारा चुलबुल घबरा के भाग गया क्या? मेरा चुलबुल कभी नहीं भागेगा, वो जरूर आएगा। लगता है चुलबुल किसी मुसीबत में है और इसमें बंटी का ही हाथ है। अगर वो मुसीबत में है तो मुझे आवाज जरूर दे रहा होगा। अल्ट्रासाउंड लिसनिंग डिवाइस ऑन। अल्ट्रासाउंड लिसनिंग डिवाइस ऑन। वीर, वीर, मुझे यहाँ से निकालो वीर। चुलबुल मुझे बुला रहा है, चलो इमली। थैंक यू वीर, ये बंटी और मैगी की चाल है, मुझे गाजर के लालच में फंसा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला है। मैं और वीर आगे जाके शो वालों को तुम्हारा इंतजार करने को कहते हैं। हिस्सा ले चुके हैं, अब फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर है मैगी के डॉगी मोती को। ये, ये, ये। एक मिनट सर, मेरा पेट चुलबुल आने वाला है, प्लीज कुछ देर रुकिए, वो रास्ते में ही है। ओके, अभी शो खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैगी के डॉगी मोती को इनाम दिया जाएगा। दस सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वीर, 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 बैलेंस नहीं हो रहा। इनविजिबल मैग्नेटिक रेस ऑन। इनविजिबल मैग्नेटिक रेस ऑन। कमाल है, टाइट रोप पे स्केटिंग, वो भी एक डोंकी। सॉरी वीर, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ बैलेंस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ स्केटिंग ही कर पाया। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट प्राइज चुलबुल को जाता है। कांग्रेट्स। वाह चुलबुल, तुमने हिम्मत नहीं हारी, यू आर ग्रेट, कांग्रेट्स। थैंक यू, एंड लेट्स शो देम सम डांस। मैंने कहा था ना चुलबुल, ये खेल हम ही जीतेंगे। उधर देखो, उधर। अरे सीखो सीखो, उस चुलबुल से कुछ सीखो। स्टूडेंट्स, कल हमारे स्कूल में इंटर स्कूल रोबोट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस मुकाबले में हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सर, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर वीर ये कंपटीशन जीत जाएगा तो वो स्कूल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा और पॉपुलर भी हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पापा पापा, प्लीज प्लीज, एक रोबोट की ही तो बात है,
किसी से कहकर बनवा दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तू मेरा पीछा छोड़ दे, रोबोट बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे स्कूल में बड़ी बेइज्जती होगी। इसे रोबोट चाहिए और हमें वीर, शायद बॉस कोई हेल्प कर सके। बॉस, वीर अपने स्कूल के इंटर स्कूल रोबो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है। वीर को खत्म करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। बॉस, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मोना, देखा तुमने, हमारा टिम्बकटू अब बड़ा हो गया है। उसका प्लान बहुत अच्छा है। मैं इसे रोबोट बना के दूंगा जो इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा तो लेगा ही, उसके साथ साथ वीर को भी पकड़ के ले आएगा। टिम्बकटू, बहुत शौक है ना वीर को खिलाड़ी बनने का। अब मेरा रोबोट खेल खेल में ही उसको खत्म कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। You are genius, boss. Super duper genius. मम्मी, पापा ने मेरे लिए रोबोट नहीं बनाया। ओए, तेरे पापा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो रोबोट बना के देंगे। तू कुछ और मांग पुत्र, रोबोट छोड़ के कुछ भी मांग ले। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट। पापा, पापा कोई रोबोट बेच रहा है। रोबोट ले लो, रोबोट, टूटे फूटे सामान से बना हुआ रोबोट, घर के वेस्ट मटेरियल से बना हुआ रोबोट। अंकल, अंकल, मुझे एक रोबोट चाहिए। ले लो बेटा, ले लो। आप इस तरह कैसे रोबोट बेच रहे हैं? जैसे आलू प्याज बेच रहे हो। मूर्ख इंसान, हम 21वीं सदी में हैं। तुम कौन से युग की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे में रोबोट का शौक देखकर मुझे खुशी हुई। ये लो बेटा, मेरी तरफ से ये तुम्हें फ्री गिफ्ट। ये था सेंट मैरी के स्टूडेंट का रोबोट और आर्य शिक्षा मंदिर स्कूल के स्टूडेंट का रोबोट आएगा। यमी, अच्छी चाय बनाई है। फ्रेंड्स, अब बारी है इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट रॉकी के रोबोट की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर किसी का रोबोट मेरे रोबोट को बाइक रेस में हरा सके। मेरे पास दो बाइक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो और हार मान लो, वरना मेरे रोबोट को बेस्ट मान लो। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। बाहर हो गया है और अब हमारे स्कूल से बंटी अपना रोबोट लेकर आएंगे। और अब हमारे ही स्कूल से वीर के रोबोट की बारी है। मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है। सब जजेस ने वीर के रोबोट को फर्स्ट कहा है। इससे बढ़िया रोबोट हो ही नहीं सकता। वीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर, अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट इज द बेस्ट। आई चैलेंज वीर्स रोबोट फॉर अ फाइट। प्रिंसिपल सर, परमिट हिम। वीर ने मोबाइल रेस का चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, इसलिए बंटी को भी चैलेंज करने का हक है। ओके, फाइट। Let's see who is the best. किस बेवकूफ ने ये रोबोट बनाया है? एक फाइट भी ठीक से नहीं कर सकता।
मेरे बॉस को बेवकूफ कहा? अभी मजा चखाता हूँ। अब ये मेरे कंट्रोल में होगा। ये तो मैड मैक्स का काम लगता है। तुम ठीक कह रही हो, रोबो बॉय को आना होगा। रोबो बॉय, आप सब एक साइड में हो जाइए। की जरूरत नहीं, रोबो बॉय ने आकर सब ठीक कर दिया। अब मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से फर्स्ट प्राइज अनाउंस करें। प्राइज वही है जो पहले था, वीर का रोबोट फर्स्ट है। मस्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। मेरा पैर। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहां से आया? बॉस, ये है मिस्टर मस्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। मिस्टर मस्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा, लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे और फिर वीर मेरा होगा। आज तक वीर मेरे रोबोट्स को हराकर फुर्सतगंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता रहा है, लेकिन अब मैड मैक्स इस मस्क्यूटा की मदद से ऐसा खेल खेलेगा कि वीर ही वीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देखा बॉस, आप मुझे हमेशा निकम्मा समझते थे, लेकिन देखो मैं कितने काम का हूँ। He is right, boss. He is right. यहाँ साइकिल चलाना मना है। रुको रुको, सुनो वीर, सुनो। अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। केकी फेकी, चलो।
बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद एक घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर, सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। दो घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, ढाई घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन? मिस्टर मास्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ये दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये लो। अरे बच्चों हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। ए, भागो भागो बच्चो, शु, भागो भागो। खबरदार, एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी मैं उसका पता लगाते ही रहूँगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो एकदम मेरे जैसा। रुको, जल्दी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है। रुक जाओ, सब रुक जाओ, मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा, इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। अंकल, प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था, मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय, इट्स ओके। डाइविंग सूट ऑन। Driving suit on. आज देखता हूँ तुम में कितना है दम। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड। ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? ओह, वो स्कूल में है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। टिम्बकटू, तुम्हारा मस्क्यूटा तो वीर के डर से दुम दबा कर भाग गया।
तुम किसी काम के नहीं हो। बॉस मैंने तो पूरी कोशिश की लेकिन वीर बहुत चालाक है, मेरी क्या गलती है बॉस? मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। अब मुझे ही कुछ करना होगा। टिम्बकटू जाओ पता लगाओ वीर कहाँ है। बच्चों फुर्सतगंज में गो कार्ट पार्क खुलने वाला है जहाँ गो कार्टिंग होगी और वो अपने पार्क को प्रमोट करने के लिए एक गो कार्ट रेस रख रहे हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम मुझे दे दें। सर मैं पार्टिसिपेट करूंगा और फर्स्ट भी आऊंगा। मैं अपनी गो कार्ट लाऊंगा। बंटी गो कार्ट बहुत कॉस्टली होती है, ये कोई मामूली कार नहीं, वो लोग सबको अपनी कार दे रहे हैं। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे नई गो कार्ट खरीद देंगे। ओके ओके, जो बच्चा अपनी गो कार्ट लाना चाहता है वो ला सकता है। सर मैं और इमली भी गो कार्ट रेस में हिस्सा लेंगे। और कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपने अपने हाथ खड़े करे। मेरे प्यारे पापा, पापा आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। बोलेगा भी क्या चाहिए या सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा? पापा मुझे गो कार्ट चाहिए। अरे तो जाओ खरीद लो। क्या गो कार्ट? पापा प्लीज 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 मेरे अच्छे पापा, प्यारे पापा प्लीज प्लीज, मैं नई गो कार्ट लेकर गो कार्ट रेस में फर्स्ट आना चाहता हूँ। दिस यंग बॉय वांट्स टू पार्टिसिपेट इन गो कार्ट रेस। उसे डिस्करेज मत कीजिए, उसे गो कार्ट लाके दे दीजिए। वो ओल्ड मैन पहचाना सा लग रहा है ना? लेकिन सर हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा इतनी महंगी चीज नहीं मांगता। मैं खुद एक गो कार्ट कंपनी का मालिक हूँ, इसी गो कार्ट रेस के लिए तो मैं आया हूँ। मैं आपके यंग और होनहार बच्चे को नई गो कार्ट दूंगा, लेकिन रेस के बाद आप उसे वापस कर देंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं कल गो कार्ट रेस में नई गो कार्ट लेकर आऊंगा। सी यू देयर। वो आदमी टिम्बकटू जैसा लग रहा था ना? यस यू आर राइट। फिर तो हमें भी एक स्पेशल गो कार्ट तैयार करनी होगी और हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह हम नई गोकार्ट उस लड़के बंटी को देकर वीर को रेस में हरा के। उल्लुओं के सरताज, जब गोकार्ट देना ही है तो वीर को रेस में हराने के लिए नहीं बल्कि वीर को रेस में खत्म करने के लिए दो। म्याऊ, यू आर जीनियस बॉस। मैं तुम्हें हथियारों से भरी हुई गोकार्ट दूंगा और उसे ये हेलमेट भी देना। इस हेलमेट को पहनते ही उस लड़के बंटी का दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। उससे जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। अब वीर का खेल खत्म और पैसा हजम। बहुत हो गया चूहे बिल्लियों का खेल, अब असली खेल के लिए तैयार हो जाओ। ये गो कार्ट रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। इस हेलमेट को पहन लो बंटी, इसे पहन के रेस करोगे तो फर्स्ट आओगे। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनो, सबको इस ग्राउंड के 5 राउंड्स लगाने हैं, पांचवा राउंड आखिरी राउंड होगा। ओके एवरीबॉडी, डेकर निकालो और वीर के टायर बस्ट कर दो। हाँ
मुझे मालूम था टिम्बकटू ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। वीर को ग्राउंड से बाहर ले जाकर खत्म कर दो। गोकार्ट में लगे वेपन का इस्तेमाल करो। लेजर गन। डोंट वरी इमली। लगता है उसे किसी तरह से टिम्बकटू ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। बंटी की हेलमेट में रेड लाइट क्यों जल रही है? मुझे तो लगता है इसी हेलमेट की वजह से बंटी उनके कंट्रोल में है। इमी तुम ड्राइव करो, मुझे उसका हेलमेट उतारना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वीर को खत्म करने की बात तो दूर, आपका गोकार्ट तो उसे रेस में भी नहीं हरा पाया। वीर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल पक्का खिलाड़ी है। टिम्बकटू, तुम मेरे लिए काम करते हो या वीर के लिए? हमेशा उसकी बड़ाई करते रहते हो। बॉस, आई एम विथ यू बॉस, और एक दिन मैं वीर को आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, देख लेना बॉस। चुप रहो टिम्बकटू, एक बच्चे का दिमाग तो तुम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, और वीर को खत्म करने की बात करते हो। तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो। बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी, देखो मैंने तुम सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा। थैंक यू दादाजी। गुड मॉर्निंग बॉस। जब सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली है तो मॉर्निंग गुड कैसे रह सकती है? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने तुम्हें वीर का पता लगाने को कहा था, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाने के लिए नहीं। बॉस, मैं किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहा। बॉस, फुर्सतगंज और फालतूगंज के बीच फुटबॉल मैच है, ये मैच हर साल होता है। मैं भी वही जा रहा हूँ बॉस। मैं जाऊँ बॉस? फुर्सतगंज का मैच है,
तो डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट वहाँ जरूर आएगा और इस बार वो बच नहीं पाएगा। सॉरी बॉस, मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं तो उसे पकड़ने में हर बार फेल हो जाता हूँ। तुम उसे अकेले नहीं पकड़ोगे, फालतू गंज की पूरी टीम वैसे ही खेलेगी जैसा तुम इस पे उन्हें खिलाओगे। ये देखो, रेड और ब्लू टीम। ब्लू टीम फुर्सतगंज की टीम है और रेड टीम फालतू गंज की टीम है, समझे? लेकिन बॉस, फालतू गंज की टीम वैसे ही कैसे खेलेगी जैसे मैं इस गेम में खिलाऊंगा? ये माइंड कंट्रोल बक्स है, तुम इनको फालतू गंज के प्लेयर्स की गर्दन में चिपका देना, ये उनके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेगा और वो लोग एक तरह से रोबोट जैसे हो जाएंगे। तुम जो भी कमांड दोगे वो वैसा ही करेंगे। सकते, चला भी नहीं जा रहा। हम नहीं खेल सकते, पैरों में बहुत चोट लगी है। बंटी बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें वीर को टीम में रख लेना चाहिए, अब तुम्हारे पास प्लेयर्स ही नहीं बचे हैं। हाँ बंटी, वीर को रख लो, फुर्सतगंज की इज्जत का सवाल है। चल आ जा। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है,
अब तो इन प्लेयर्स को डायरेक्ट कमांड देना होगा। जाओ मेरे खिलाड़ियों, आज वीर को उठा के बॉस के पास ले चलो। मुझे वीर को बताना होगा। वो देखो टिम्बक्टू, वो इन प्लेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। मुझे पहले से ही शक था। रिविजन ऑन, मैग्नेटिक पुल ऑन, मैग्नेटिक पुल ऑन। अरे हमने 10 गोल कब किए, याद ही नहीं आ रहा। लास्ट 30 सेकेंड, इसमें जिसने गोल किया वो टीम जीत जाएगी। ये मेरा कमांड मान ही नहीं रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बड़ा खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। ये